कटनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना में मतपत्रों की गिनती में हेर फेर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विजय राघवगढ़ के गुड़गड़ौहा में 4, 5 और 6 वार्ड नंबर मतदान केंद्र पर 132 पे 389 मतपत्र की गिनती हुई थी, जबकि कुछ देर बाद 439 मतपत्र की घोषणा की गई। मामले को लेकर पोलिंग एजेंट और अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर गड़बड़ी करने की बात सामने आ रही है। इस मामले को लेकर महिला प्रत्याशी सहित लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं मतदाताओं का कहना है कि मतदान क्रमांक 132 में हुए मतदान को निरस्त कर पुनर्मतदान कराए जाएं। सरपंच के लिए मैंने फॉर्म भरा था और उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक चालू हुआ है, 3 बजे समाप्त हुआ है। उसके बाद मतगणना में बताया गया कि 379 वोट पड़ी है और बाद में मतगणना के बाद समाप्त होने के बाद बताया गया कि 439 वोट पड़ी है। इनका ये कहना है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। इनको चाहिए था कि रिकाउंटिंग का आवेदन वहीं पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही पेश करना था। मैं गड़बड़ी को लेकर अभी एक कंप्लेंट हमारे पास आई है जी, उसको हमने जांच में लिया है जी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगी उसके बाद हम अगली बार। सर, जब हम पूरी बोर्डिंग कंप्लीट हो गई इसके बाद बताया कि 389 वोट पड़े। हाँ, थोड़ी देर बाद ही ये बोलते बोले 389 नहीं, जब लड़का बाहर निकलता है तो 439 वोट हो गए।